राजधानी के सड़कों पर रफ्तार का कहर जारी है। ताजा मामला है पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट इलाके में स्थित कुमार पेट्रोल पंप के पास का, जहां पूजा कर घर लौट रही महिला को बेलगाम हाईवा ट्रक ने रौंद दिया, जिससे महिला की घटना स्थल पर ही मौत हुई। वही घटना के बाद हाईवा चालक हाईवा ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना में मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शव को स्टेट हाईवे पर रखकर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन के विरोध नारेबाजी के साथ हंगामा किया। वहीं स्टेट हाईवे पर जाम के कारण छोटी बड़ी गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने के प्रयास में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कटरा इलाके के रिकापगंज की रहने वाली के रूप में किया है। वहीं गुस्सा लोगों ने बताया कि हाईवे पर बड़े ट्रक और हाईवा चलती है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग किया है कि स्टेट हाईवे पर दिन में नो एंट्री लगाई जाए, ताकि यहां से गुजरने वाले यात्री दुर्घटना का शिकार न हो। घटना जानबूझ करके हवा वाले जितने ड्राइवर लाइसेंस बगैर लाइसेंस में गाड़ी चलाते हैं और पब्लिक को कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ का पब्लिक को जब भी मर्जी तभी मारने के लिए चाहता है हवा वाला ट्रैक्टर वाला। मतलब हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या गया, जबरदस्ती चक्का चला दिया। किसके ऊपर? और किसके किसके हमारा परिवार, हमारा गाँव का, समाज का रहने वाला सामाजिक आदमी, उनका परिवार भाव है, उन पर चक्का चला दिया। कौन, महिला है? हाँ महिला है सर। क्या मौत हो गई है? हाँ मौत हो गई है। कहाँ की रहने वाली थी? दीदारगंज निवासी का, मसलामी थाना क्षेत्र का। अच्छा, मांग क्या है आप लोग की? मांग है कि हमारा नोटरी चाहिए दीदारगंज के अंदर में, नहीं तो बालू से लेकर के पूरा कच्ची जगह तक फतवा तक हमारा नोटरी चाहिए। मतलब हमेशा तो बालू हाईवा गाड़ी बंद होना, मतलब हाईवा चला करता है उसी पर, हाईवा और ट्रैक्टर दोनों का नोटरी होना चाहिए सर हमारा। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।